हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग है, जो कि मैं इस एम्पलीफायर को आज मैं तोड़ के बर्बाद कर दूंगा, जो कि थंबनेल में आप दिख चुके हैं, और सही में मैं बर्बाद कर दूंगा जो कि फोटो आपको दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है पहले ये दुकान देख लीजिए, जो कि बहुत ही कचड़ों में साफ सफाई करते हुए मैंने इस एम्पलीफायर को निकाला, जो कि बहुत ही कबाड़े हो चुका था, कस्टमर भी लेके नहीं जा रहा था और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो एम्पलीफायर का बहुत ही सारा पार्ट्स जो है ख़राब हो चुका था, सिर्फ इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट करने के बाद ही चालू हो पाती और उसके बाद भी आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था फिर। और यहाँ पर देखिए हमारा जो डिजिटल घड़ी बना हुआ है, अगर ऐसे डिजिटल घड़ी आपको चाहिए या इसको बनाना चाहते हैं तो इसका जो वीडियो है लॉजिक सर्किट पे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा बहुत सारा पार्ट्स है और यहाँ पर जो है फ्रेंड बहुत सारा चीज़ को मैंने साफ सफाई कर लिया हूँ बिस्कराओं को जगह, और आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं उस एम्पलीफायर को जो मुझे बहुत ही दिक्कत हुआ, उसको आज मैं पूरी तरीके से तोड़ूंगा और लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो हमारा साफ सफाई कंप्लीट हो चुका है, जो कि पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो फ्रेंड चलिए आगे वीडियो को दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ से बहुत सारा किट उट है, मटेरियल है, पंखा है, और क्या बोलते हैं उसको, मच्छर मारने वाला बैडमिंटन, इंडक्शन बोर्ड और पंखे और एम्पलीफायर का कुछ कुछ है, मिक्सी ग्राइंडर है और टीवी है, कूलर है, मोटर है और पंखे के पत्ती होती, डिश टीवी का छतरी है, बहुत सारा चीज़ को मैंने बाहर निकाला हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ पार्ट्स है, साफ्ट हमारा नया लेकिन जंग लग चुका है, और यहाँ पे हमारा घर का कचड़ा है, और इन्हीं कचड़ों से मैंने दो एम्पलीफायर है जो कि मैं निकालूंगा और आज आपको तोड़ के दिखाऊंगा। इस एम्पलीफायर से मुझे कोई मतलब नहीं, तो आपको मतलब हो सकता है फ्रेंड, तो अब जाए लौटना के पास और कबाड़ियों से निकाल के ले आए। बहुत सारे कबाड़ियों में ऐसा एम्पलीफायर अभी भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड, अगर आपको ज़रूरी है तो अगल बगल के टाल में चले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं इस एम्पलीफायर को तोड़ दूंगा, मुझे पसंद नहीं। तो तोड़ने से पहले इस एम्पलीफायर से मैं कुछ कुछ चीज़ को निकालूंगा, जो ही बहुत ही ख़ास चीज़ होता है फ्रेंड, अगर टाल से भी कहीं से भी खरीद ले तो आपका लाइफ बदल जा सकती है। मैं इस चीज़ को इस वीडियो में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है ये बोर्ड आपका बहुत ही ख़ास काम आने वाली है, जो कि साउंड के मामले में बहुत ही तगड़ा हो सकता है। ऐसे उसे चेंज करो तो आवाज़ आपको क्लियर हो सकता है, लेकिन हमारा जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था फ्रेंड। तो चलिए इस बोर्ड को फ़िलहाल मैं रख लेता हूँ फ्रेंड, और बहुत ही इसमें जो है, इस बोर्ड में जो है ना, एक ऑडियो ड्राइवर है जो कि कैसेट को चलाने का काम करता है फ्रेंड, ट्रांजिस्टर के थ्रू। पहले के कैसेट प्लेयर में उतनी भी डिवाइस नहीं होती थी, सिंपल से ट्रांजिस्टर से ही ड्राइव करके ऑडियो को चला दिया करता था। तो आजकल जो है ना, आईसी वैसी बहुत सारा ट्रांजिस्टर मिला के आईसी एक बना के बहुत ही पावरफुल बनाया गया है पहले के ज़माने के तुलना में। और यहाँ पे एक हमारा जो है आईसी लगा हुआ है, जो कि म्यूजिकल भी मीटर है फ्रेंड। अगर इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत ही पुराना वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और नया बनाने के बाद तक करें तो उसको भी बना के आपको दिखाऊँगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब ज़्यादा भी क्रिटिकल नहीं है, जो कि बना नहीं पाओगे, बना लोगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये हमारा एक नया आईसी मिल गया, इसके अंदर मैंने रख दिया था कभी काल रिपेयरिंग करते हुए टीवी का आईसी था। और चलिए फ्रेंड, इसके अंदर और कुछ मुझे देखने को नहीं मिला फ्रेंड, तो चलिए इसको आज मैं तोड़ूंगा। और इसमें कुछ कुछ खास नहीं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है ना, ये जो टीना बॉडी जो मेटल है, ये बहुत ही अच्छा खास है, क्योंकि जंग उंग नहीं लगा, बहुत ही पहले वाला है। और एक मैं नया वाला दिखाऊंगा जिसमें जंग उंग लग के ख़त्म हो चुका है। तो कॉस्टली जो भी हो, पहले के ज़माने का बहुत ही मस्त एम्पलीफायर और तगड़ी एम्पलीफायर माना जाता था। तो चलिए, हमारा ये एम्पलीफायर टूट चुका है और इसको लौटना कबाड़ी वाला को भेज दूँगा। तो चलिए, हमारा ये एम्पलीफायर को हम हटा देते हैं
और एक और एम्पलीफायर है जिसमें से भी। तो इसमें जो है ना फ्रेंड, जो भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ ना बहुत तगड़ा है, बोले तो लाइफ टाइम में कभी भी नहीं जलेगी। जो भी ट्रांसफार्मर इसमें भी लगी हुई आज तक नहीं जली और आगे भी नहीं जलेगी। तो फ्रेंड अगर कबाड़ी वाला अगर आया ऐसा एम्पलीफायर है तो उससे ट्रांसफार्मर निकाल के ले लें, 50 रुपये 100 रुपये जो आप दे के ले सकते हैं, 50 रुपये भी दोगे ना तो दे देगा उन लोग। तो फ्रेंड आप उनसे ये ट्रांसफार्मर खरीद लें। ये ट्रांसफार्मर आप कहीं भी यूज करेंगे ना फ्रेंड तो आपका जो ट्रांसफार्मर कभी नहीं जलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं घर में 3-3 तो यूज कर रहा हूँ और 3 कस्टमर को लगा के दिया हूँ, 300 रुपये प्राइज लिया हूँ और गारंटी के साथ दिया हूँ फ्रेंड। तो आप समझ सकते हैं कि मैं गारंटी क्यों लिया इसकी तगड़े की वजह से। ट्रांसफार्मर की क्वालिटी जो है पहले की बहुत ही तगड़ी थी। तो चलिए फ्रेंड, ये जो है एम्पलीफायर को भी मैंने तोड़ दिया, मुझे ट्रांसफार्मर से मतलब था, मैंने ट्रांसफार्मर को निकाल लिया फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल पर जो न्यू है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।